आज बदमाश ऑपरेशन ठुकुम मिशन के तहत 15,000 के एक इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा, जबकि बदमाश का एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना लेसाड़ी गेट इलाके के जामिया रेसिडेंसी में 15,000 का इनामी अपने एक साथी के साथ घूम रहा है। सूचना पर पुलिस चौकन्नी हो गई और उसने चेकिंग शुरू कर दी। पकड़े गए बदमाश पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आज हम लोग चेक अभियान चला रहे थे गैंगस्टर और लुटेरों के विरुद्ध में, तो आज यहाँ एक मेला लगा हुआ था, उसमें कुछ लोगों से ये लूट के वहाँ भागने कोशिश कर रहा था, जिसमें इंस्पेक्टर लिसाड़ी गेट और एसएसआई की पूरी टीम ने पीछा किया और पुलिस पार्टी पर उसने फायर किया, जिसमें बचते हुए और इसको लगी है ताज मोहम्मद इसका नाम है और ये हमारे गैंगस्टर में वांछित। इसमें इस 15,000 का इनामी बदमाश है ये, और इसके विरुद्ध करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें लूट है और प्रयास है, लूट का प्रयास है और चोरी भी, कई बाइकें भी इसमें बरामद हुई हैं और ये आर्म एक्ट भी इसके ऊपर है और कंटिन्यू अपराध में लगा हुआ था। बहुत दिनों से वांछित चला था दिल्लीगेट थाना क्षेत्र से, आज इसके साथ मुठभेड़ हुई है और कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक अभियुक्त ऑलरेडी जो इसका दोस्त है वसीम है, वो हमारे यहाँ 6.5 लाख लूट में वांछित चला है, जो उसने बताया कि वो भी साथ था, वो फरार हो गया है, उसके हम लोग काम्बिंग किए हैं। वसीम भी अपने आप में काफ़ी कई घटनाएं कर चुका है, जिसमें उसकी तलाश करके फिर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।